पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। नीतीश, वाराणसी पर सबकी नजर, क्योंकि मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर बवाल शांत हो गया। इस वक्त किस तरह की हलचल मतगणना केंद्र के बाहर वाराणसी से? निश्चित तौर पे संपादक जी, जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से यहां पर, जिस तरह से दो दिन पहले कहा गया कि मतगणना के पहले जो यहां पर बवाल हुआ, जो ईवीएम को लेकर बवाल हुआ, उसके बाद सुरक्षा के इंतजाम आप देखिए। इस वक्त हम मतगणना स्थल के ठीक बाहर मौजूद हैं और जहां से जो मतगणना के कर्मी हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, ये वो द्वार है। और सुरक्षा के इंतजाम आप देखिए, यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो मतगणना के कर्मी हैं उनको यहां से सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है। और आप देखिए ये जबरदस्त सुरक्षा घेरा, और यहां तक पहुंचने के लिए कैसे सुरक्षा के इंतजाम है ये भी हम आपको दिखाते हैं। जरा सा आगे आइए, यहां पर आप देखिए, जब आप मतगणना स्थल के थोड़ी सी दूरी पर आते हैं तो यहां पर भी आपको ये पुलिस के इंतजाम, पीएससी के जवान यहां पर तैनात मिलेंगे। इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहां पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम है। देखिए यहां पर ये जो गाड़ियां हैं, ये अधिकारियों की गाड़ियां हैं, और इसके ठीक पास में यहां पर आप देखिए ये फोर्सेस तैनात हैं। अब देखिए यहां पर इन बीएसएफ फोर्सेस की तैनाती की गई है मतगणना स्थल पर, ये बीएसएफ के जवान हैं।